आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद अहमद शाह की सरबराही में आर्ट्स काउंसिल शो कमेटी और सादत जाफरी पाकिस्तान के ऐसे बाकमाल फनकारों की कदरदानी में पेश पेश हैं। आज की ये तकरीब इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अपना फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान के टॉप 5 सुपरहिट पॉप गानों में से एक गाने के गुलूकार हसन जहांगीर को आज खिराज तहसीन पेश कर रहा है। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। इस ट्रिब्यूट का हम आगाज कर रहे हैं जो कि हम लेजेंड सिंगर हसन जहांगीर साहब को देंगे। ऐसे ही एक नौजवान ने अपनी अंथक मेहनत के बाद जो नाम बनाया मौसीकी से, आज ये महफिल उनके लिए सजाई है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने जनाब सैयद सादत अली जाफरी साहब से कि वो इस स्टेज पे तशरीफ ले। आपकी बहुत सारी तालियां। कैसे इस्तकबाल करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। बहुत सारी तालियां बजाएंगे, शोर मचाएंगे, खड़े होंगे, क्या करेंगे। हसन जहांगीर, खुर्रम जमशेद, उनके खुद बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं। थैंक यू सादत जाफरी साहब एंड हसन जहांगीर साहब एंड अजहर सर, माशाल्लाह हमारे लेजेंड पीटीवी जीएम अमजद शाह साहब माशाल्लाह। और ये आर्ट्स काउंसिल की जो काविश है फनकारों की पजीराई कर रहा है। बिना मुबालगा करोड़ों लोगों को दीवाना बनाने वाला गाना हवा हवा और बैन अवी शोहरत याफ्ता एल्बम रिलीज हुआ। उस जमाने में उसकी तकरीबन 1.5 करोड़ से जायद कॉपियां फरोख्त हुई। उस एल्बम में हर गाने का बुनियादी म्यूजिक खुद हसन जहांगीर ने पेश किया। एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हसन जहांगीर भाई को इतने अच्छे ट्रिब्यूट के लिए। थैंक यू। अब तो सेलिब्रेट करने वाली जगह हो गई है अहमद शाह साहब के आने के बाद कि आप जिंदगी में सेलिब्रेट करें उन तमाम हस्तियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी कंट्रीब्यूशन समाज में किसी ना किसी शोबे में मौजूद है और उस काम की वजह से फनकार तायात अपनी जिंदगी में अपने गाने की वजह से मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ भाई। और एक और बड़ा अच्छा म्यूजिक इंडस्ट्री से मेरा बचपन का दोस्त है, साथी भी है और बहुत सारा ट्रैवल किया है हसन जहांगीर साहब के साथ और बहुत ज़्यादा जानता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में आपको जब सफ़र में होते हो तो वैसे पता चलता है। खुद बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, काफ़ी ड्रामों के बैकग्राउंड स्कोर उसने किए हैं, काफ़ी सारा गाना बनाया है। बहुत सारी तालियां इमरान साजन के लिए के यहाँ तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर टू से समथिंग अबाउट माय ब्रदर हसन जहांगीर भाई। शादी ना करना के वीडियो से लेकर छम्मक छल्लो के ऑडियो और वीडियो तक मेरा हसन भाई का साथ तकरीबन 35 साल से है, जहाँ मैंने बहुत सारे ट्रैवल भी किए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हमने देखे, शोज़ भी किए, शूटिंग्स भी की, तो बहुत ज़बरदस्त एक साथ रहा। कुछ अर्से तो माइक वालों ने इनको माइक देने बंद कर दी क्योंकि वो कहते थे हमें दो दिन उसका इलाज करवाना पड़ता क्योंकि ये इतने मतलब मैं कहता हूँ ना गाने के लिए अभी बहुत सिंगर आए, बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस है, बहुत माइक में इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन जो कमाल जो हसन जहांगीर का था, यकीन करें जिनके मैं तो समझता हूं जो जिस अंदाज से ये गाते थे उसमें जिनके सफेद बाल थे वो काले होने शुरू हो जाते थे। हम अपने सिंगर्स को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन हमें खुशी ज्यादा ये होती है कि हमारे हम असर है, हम असर भी नहीं कहूंगा, मेरे सामने ये आए हैं लेकिन हम अपनी शोबिज में अपने एक दो स्टेप्स आगे जा रहे थे और हसन जहांगीर हमारे सामने सामने आज इस जगह पहुंच गए कि बड़े फखरी हम कहते हैं कि हसन जहांगीर तुम्हारी हवा हवा टाइम है और तुम्हें अल्लाह पाक से इसी तरह से जिंदगी दे और परफॉर्म करते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज की महफिल हसन जहांगीर साहब हमारे बहुत प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, बहुत मकबूल आर्टिस्ट माशाल्लाह। कुछ आर्टिस्ट मशहूर होते हैं, कुछ मकबूल होते हैं, तो हसन जहांगीर साहब मकबूल आर्टिस्ट है। शादी में ढोलकी हो, मेहंदी हो, शादी ब्याह की चीजें हो, जब हसन जहांगीर के गाने नहीं चलते थे, वो हवा हवा हो, आ जाना दिल है दीवाना हो या जरा मेहंदी लगाओ, कोई भी ऐसी तकरीब, इनकी कामयाबी में, इनकी कामरानी में सबसे ज्यादा इस चीज का अमल दखल था कि हसन जहांगीर फैमिलीज के आर्टिस्ट बन गए।
कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं होती थी जिसे अक्सर जाकिर के गाने पूछते नहीं थे, यानी राजा भाई या ये रेडियो से मशहूर हुए थे या नहीं, ये चूंकि मशहूर थे तो वो ये मजबूरी समझते थे कि हसन जहांगीर साहब को अपने शो में बुलाए। ये पहले फूल और ये फूल पेश करने के बाद अभी जो जुमलेबाजी हमारी चल रही थी तो मैंने कहा कि शुगर कर नीफ राजा ये गाने की तरफ चला गया, वरना ये कॉमेडी में भी कमाल कर ऐसे ऐसे जुमले देते हैं। हसन एक अच्छा सच्चा आदमी है, अल्लाह ने इस पे मेहरबानी की है और जिस पे अल्लाह मेहरबानी करे उसके रास्ते में जो आएगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुद फैसला करता है, वो तैसो मंतिशा वो तसिलो मंतिशा। इसी तरह हमारा एक और आर्टिस्ट आज हमें उसे याद करना चाहिए, उमर शरीफ, बगैर टीवी बगैर किसी वसीले के पूरे ग्लोब पे वो मशहूर हुआ। ठीक है, ये हसन की मिसाल और उमर की मिसाल है। इंडिया के साथ बिल्कुल हमारी ना कोई फिल्म जा सकती, लेकिन बकरा किस्तों पे उमर शरीफ की कॉमेडी, हसन जहांगीर, इन लोगों ने पूरा हिंदुस्तान जो है इनका मद्दा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपने काम के राजा हैं हनीफ राजा साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। अहमद शाह साहब यहाँ मौजूद नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में सबसे पहले अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया। हसन जहांगीर मेरे बहुत प्यारे अजीज दोस्त भाइयों की तरह, और हसन भाई ने हवा हवा तो उनका पूरी दुनिया में मशहूर है। हसन जहांगीर के साथ बहुत सफर किया और मैंने हमेशा, ये वो शख्स है कि अगर मैं सो रहा हूँ और लंच का टाइम हो गया, डिनर का, ये अपना खाना तो खाते थे क्योंकि पूरा हमारा ट्रिप होता था, और ये मेरे लिए लेकर भी आते थे। ये ना लाते तो मुझे क्या फर्क पड़ जाता, या इनकी जिम्मेदारी या पाबंदी तो नहीं थी। इन छोटी छोटी बातों से इंसान की इंसानियत और उसकी नेचर को पहचाना जाता। तो मैं समझता हूँ कि हसन भाई ने अपनी क्रेडिबिलिटी को उसी वक्त से शुरू जब से वो हुए आज तक वो क्रेडिबिलिटी उनकी कायम है, उसकी वजह वो खुद है, उनकी सादगी है। अच्छा, हसन जहांगीर भाई के लिए मैं ये कहूंगा कि हमने शोज भी काफी साथ किए, ट्रेवल भी बहुत किया, और 2019 में जब हमारा एग्जीबिशन रियल स्टेट का था तो मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप यूएस हमारे साथ एज ब्रांड एम्बेसडर चलें, और हमने आपकी वजह से 2-3 खाने भी वहां पे मुफ्त में खाए के, जब लोगों ने इंडियन से आपको पहचाना तो हमसे बिल भी नहीं लिया। तो हसन भाई एक लेजेंड है और हमने बहुत काम किया और एक बहुत अच्छे न सिर्फ दोस्त बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। जब इतने बड़े बड़े स्पीकर्स और इतने बड़े बड़े लोग जब बात करके जाएं और सब के सब हसन जहांगीर के मतलब बातचीत हो, तो फिर जो आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये कहना है तो फिर वो रिपीटेशन हो जाती है। तो हसन जहांगीर के लिए बात करना जैसे दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होगी। जो उनकी एक सलाहियत है, फनकाराना सलाहियत, जिस तरह से अल्लाह पाक ने इनको एक नाम दिया है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे हम सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में, खासतौर पर अगर हम इंडिया की बात करें, हनीफ राजा ने बहुत अच्छी बात कही, हृदय शक्ति। तो उनके साथ इत्तेफाक था, हमने काम किया वहाँ पे अरब अमारात में, तो उनकी भी उनका भी बड़ापन आप देख लेना। तो उसने मुझे यहाँ पे फ़ोन किया, कहने लगे यार वो हसन जहांगीर साहब को आप जानते हैं? मैंने कहा सर उनको कौन नहीं जानता, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और हमारे दोस्तों में से। कहने लगे यार उनका गाना है हवा हवा, तो आप हसन जहांगीर से बात कर लें और मेरी भी उनसे बात करा लें कि अगर वो अपना गाना हमारी फिल्म के लिए दे दे तो हम बहुत उनके मशहूर रहें। तो फिर मैंने अपने गुलहमीद बलोच के ज़रिए फिर मैंने हसन भाई को भी बुलाया, ऑफिस में बैठे उनके मैंने बात करवाई, तो इस तरह से हसन जहांगीर ने अपना गाना उनको दिया। कोई मतलब उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की। हसन तुम्हारे लिए हो रहा है सर, घर के बारे में बाद में कर लेंगे। हसन जहांगीर इंडिया बहुत सारे लोग गए, मैं भी गया, बहुत काम किया, लेकिन जैसा इस्तकबाल हसन जहांगीर का हुआ है ना वो किसी का नहीं हुआ इंडिया के अंदर।
मैं वहाँ था मौजूद, इसलिए मैं गवाह हूँ। तो हसन जहांगीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है 40 साल से हम साथ हैं। हसन, हम, मैं हसन हनीफ राजा, हमारा कैरियर एक साथ ही स्टार्ट हुआ तकरीबन। हनीफ गलत तो नहीं कह रहा? थैंक यू वेरी मच हसन, तुम्हारे काम को सलाम। तुम्हारी हवा हवा ने नो डाउट सबकी हवा बंद कर दी थी, लोग मुंह से सांस ले रहे थे, नाक से बंद हो गया था। और एक फिल्म में मैंने देखा, जब एक कैरेक्टर ने आके कहा ना, बखुदा मैंने हसन को ये बात बताई भी थी, ए भाई वो हवा हवा लगा ना, मैं हसन का पंखा हूँ। फिल्म का सीन था, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि मेरे मुल्क के फनकार की वहाँ बात हो रही है जहाँ पे शाहरुख खान है, जहाँ पे सलमान खान है। बहुत सारी तालियां हसन जहांगीर, आप तो प्यार करते ही, आप हमेशा से करते और आंदा भी करते रहेंगे हसन से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।